अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गुड. ओके, लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर साइंस वन क्लास. टुडेज टॉपिक इज़ माउस. माउस का पेज नंबर 32 है, होल्डिंग अ माउस, के माउस को हम हाथ में कैसे पकड़ते हैं, कैसे होल्ड करते हैं. लुक एट द फाइव फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड. आपने अपने हाथ की इन फाइव फिंगर्स को देखना है. वी यूज़ फिंगर वन एंड फाइव टू होल्ड अ माउस. आपने अपनी वन से फाइव फिंगर से अपने माउस को होल्ड करना है या पकड़ना है. फिंगर टू आवर इंडेक्स फिंगर. फिंगर नंबर टू आपकी इंडेक्स फिंगर है. एंड फिंगर थ्री आवर मिडल फिंगर. और जो ये दरमियानी उंगली जिसको हम मिडल फिंगर बोलते हैं, ये आपकी नंबर थ्री वाली है. आर यूज फॉर क्लिकिंग. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फिंगर माउस के बटन्स को क्लिक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. वी फर्स्ट प्लेस आवर पाम ऑन द माउस जेंटली. फर्स्ट पे आपने क्या करना है, माउस को अपनी हथेली से बहुत आराम से पकड़ना है. जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, आपने माउस को अपनी हथेली से बहुत अच्छे से पकड़ना है. देन वी पुट फिंगर टू ऑन द लेफ्ट माउस बटन. माउस के फिंगर टू, ये देखिए, फिंगर टू को आपने लेफ़्ट बटन पे पुट करना है. एंड फिंगर थ्री ऑन द राइट माउस बटन. फिंगर थ्री को आपने राइट बटन पे पुट करना है ऐसे. इंडेक्स ऑन द स्क्रॉल व्हील. अगर आपने स्क्रॉल व्हील का यूज़ करना है तो वो आप अपनी इंडेक्स फिंगर से करेंगे, ठीक है. आगे है माउस पॉइंटर. व्हेन द कंप्यूटर इज़ ऑन, वी सी एन एरो ऑन द मोनीटर. जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, चलाते हैं, तो हमें क्या नज़र आता है मोनीटर पे, एक एरो, ऐसे वाला, ये वाला एरो हमें मोनीटर पे दिखाई देता है. इट इज़ द माउस पॉइंटर. ये इसको हम क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर. व्हेन वी मूव द माउस, जब हम माउस को मूव, ये वाले माउस को पकड़ के ऐसे मूव करते हैं, द पॉइंटर आल्सो मूव इन द सेम डायरेक्शन. तो माउस भी उसी डायरेक्शन पे मूव करता है. अगर हम माउस को लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे ऐसे, तो ये पॉइंटर भी इस साइड पे आ जाएगा. अगर हम इसको राइट साइड पे मूव करेंगे माउस को, तो आपका पॉइंटर भी राइट साइड पे मूव करेगा, ठीक है. यूजिंग अ माउस. अब माउस को यूज़ कैसे करना है. व्हेन वी प्रेस एंड रिलीज द माउस बटन, वी कॉल इट क्लिकिंग. जब हम माउस के बटन को क्लिक करते हैं और छोड़ देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्लिकिंग. ये देखें, मैंने दबाया और छोड़ दिया, तो ये क्या कहलाया, क्लिकिंग. व्हेन वी क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस, वी कॉल इट लेफ्ट क्लिक. जब हम माउस, ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे है ये फिंगर आपकी, तो ये क्या कहलाएगी, लेफ़्ट क्लिक. जब हम लेफ़्ट क्लिक को दबाएंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, लेफ़्ट क्लिक. व्हेन वी क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस, वी कॉल इट राइट क्लिक. जब हम माउस के इस वाले बटन को क्लिक करेंगे, राइट बटन को, तो ये क्या कहलाएगा, राइट क्लिक. नेक्स्ट है सिंगल क्लिक. सिंगल क्लिक मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन्स वंस एंड रिलीज इट. उन्होंने कहा है, जब हम माउस के लेफ़्ट बटन को एक बार दबाने के बाद उसको छोड़ देंगे बटन्स को, तो ये क्या कहलाएगा, सिंगल क्लिक, के सिर्फ एक बार ही क्लिक करना है. डबल क्लिक. डबल क्लिक मीन्स प्रेसिंग द लेफ़्ट माउस बटन ट्वाइस एंड रिलीजिंग इट, के माउस के लेफ़्ट बटन को आपने दो दफ़ा क्लिक करना है. ये देखें, क्लिक क्लिक, दो दफ़ा ऐसे क्लिक करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, डबल क्लिक. डबल क्लिक करने के बाद बस इसको छोड़ देंगे बटन को, ठीक है, कि दो बार क्लिक करना क्या कहलाता है, डबल क्लिक. नीचे एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है. आंस मी सर्कल द वर्ड विच आर रिलेटेड टू आ कंप्यूटर माउस. जो कंप्यूटर माउस से रिलेटेड हैं, उन्हें हमने सर्कल करना है. जैसे पॉइंट, जैसे पॉइंटर का इस्तेमाल किया हमने माउस में, तो इसको भी हम सर्कल करेंगे. क्लिप, नो, तो डबल क्लिक, यस. डबल क्लिक भी हमने पढ़ा है, तो डबल क्लिक भी माउस से ही होता है, तो इसको भी हम सर्कल करेंगे. ड्रिंक, पीना, क्राई, चिल्लाना, नो, सेलेक्ट, किसी चीज़ को सेलेक्ट या एटम को सेलेक्ट करना, तो उसके लिए भी हम इसको सर्कल कर देंगे. रन, दौड़ना, जंप, जंपिंग करना, या स्क्रॉल व्हील, तो स्क्रॉल व्हील भी आपने देखा, ये देखें रेड कलर का स्क्रॉल व्हील, तो इसको भी हम सर्कल करेंगे. क्लिक, क्लिक भी हमने पढ़ा है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक,
तो इसको भी हमने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है बटन, तो ये जो क्लिक है राइट राइट और लेफ्ट, और ये राइट बटन और लेफ्ट बटन भी इसको बोलते हैं, तो हम बटन को भी सर्कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का है क्लिक एंड ड्रैग। व्हेन वी प्रेस द लेफ्ट बटन, जब हम माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं, कीपिंग इट प्रेस, हम उसको प्रेस करके रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। वी मूव द माउस, और माउस को मूव करते हैं। प्रेसिंग द लेफ्ट बटन इज क्लिकिंग, जब हम लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखते हैं। एंड मूव द माउस वाइल कीपिंग द लेफ्ट बटन प्रेस इज ड्रैग। उन्होंने कहा है जब हम माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं और क्लिक करके उसको छोड़ना नहीं है, आपने उसके ऊपर फिंगर रखनी है लेफ्ट बटन पे, ठीक है, और माउस को मूव करना है, वो क्या कहलाता है, ड्रैग। दिस क्लिक एंड ड्रैग, इसको क्लिक और ड्रैग बोलते हैं। व्हेन वी क्लिक एंड ड्रैग टू मूव एन एटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हम क्लिक एंड ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं। अब फिर से देखें हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपने लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, और अपने माउस को मूव करना है, ठीक है। किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आपने माउस को प्रेस करके रखना है और मूव करना है, जिस लोकेशन पे आपने या प्लेस पे लेके जाना है वहाँ लेके जाके एटम को आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों की एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप लोगों का होमवर्क है डू रीड बुक पेज नंबर 32, 33 एंड 34। आपने बहुत ही अच्छे से रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।